Again, welcome to the English session with Jyoti Tiwari. Yesterday, we have learned some sentences to teach our small children to speak English. And today, I have brought for you some more sentences to teach our small kids to speak English. कल हमने अपने छोटे बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए कुछ सेंटेंसेस सीखे थे. आज मैं कुछ अन्य सेंटेंसेस लेके आई हूँ कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश में बात करना कैसे सिखा सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. हमें अपने बच्चों को बोलना है ऊपर जाओ, तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे गो अपस्टेयर्स. गो अपस्टेयर्स. यू कैन रिपीट विद मी. यदि हमें कहना है कि नीचे आओ तो हम कहेंगे कम डाउनस्टेयर्स. कम डाउनस्टेयर्स. और कभी कभी हम बच्चों को चॉइस बताते हैं कि ये वाला वो वाला, तो ये वाला कहने के लिए हम बोलेंगे दिस वन. ये वाला दिस वन. एंड वो वाला दैट वन. अब जब हमारे बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो हम बोलते हैं कि अपनी ड्रेस उतारो, अपने जूते उतारो, तो इसके लिए हम पुट ऑफ वर्ब का यूज कर सकते हैं. पुट ऑफ योर यूनिफॉर्म या पुट ऑफ योर शूज. तो हम अपने बच्चों को जूते, जैसे हमें कहना है अपने जूते उतारो, तो हम कहेंगे पुट ऑफ योर शूज. यदि हमें कहना है कि चलो खेलें, कभी कभी हम बच्चों से कहते हैं कि चलो चलें खेलें, तो हम बोलेंगे लेट्स प्ले. या फिर आप कहना चाहते हैं कि मेरे साथ खेलो, तो हम कह सकते हैं लेट्स प्ले विद मी. यदि हम अपने बच्चों के साथ कहीं जाते हैं तो हम बोल सकते हैं आओ चले, लेट्स गो. आओ चले, लेट्स गो. कभी कभी हमारे बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, या फिर नेवर माइंड. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, या फिर नेवर माइंड. जब हमारे बच्चे हमसे कुछ पूछते हैं और हम ये कहते हैं कि जैसा तुम चाहो, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं एज यू विश. जैसा तुम चाहो, एज यू विश. तो इसी प्रकार यदि हमें बच्चों से कहना है कि अपना होमवर्क करो, तो हम कहेंगे डू योर होमवर्क. डू योर होमवर्क. और हमारे बच्चे कभी दुखी होते हैं तो हम कह सकते हैं, यदि हमारे बच्चे कभी दुखी होते हैं तो हम कह सकते हैं डोंट बी सैड. और खुश रहो कहना है तो हम कहेंगे बी हैप्पी. डोंट बी सैड, बी हैप्पी. सो फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं. उनके सामने यदि हम बोलें तो वे निश्चित ही इन सेंटेंसेस को अपनी भाषा में उतारेंगे. इसी प्रकार के अन्य सेंटेंसेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए इंग्लिश विद ज्योति मैम के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट. हैव अ वंडरफुल टाइम.